Today we will do the topic object-oriented programming features. It means that we are going to explain the features of object-oriented programming. Object-oriented programming को हम OOPS भी बोलते हैं. इसके full form है object-oriented programming. Emphasis on objects instead of problem solution. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम इसको कहते हैं क्योंकि ये इसका जो सारा एम्फेसिस है, मतलब जो ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है वो ऑब्जेक्ट्स के बेस पे एक्सप्लेन करता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं. देर आर फोर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. तो हमारी फोर टाइप्स की फीचर्स हैं इसमें, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म. आगे हम इन्हीं को ही एक्सप्लेन करेंगे. एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग. इट इज बाइंडिंग मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर डाटा इन अ सिंगल यूनिट. एक सिंगल यूनिट में, मतलब एक क्लास के अंदर वो डाटा और फंक्शंस को बाइंड करके रखता है. दिस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जो इंफॉर्मेशन है वो एक क्लास में बाइंड होती है और बाहर की जो क्लासेस है उससे क्या होती है, हाइड, मतलब छुपाई जाती है. द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड कंबाइनिंग डाटा एंड मेथड्स इन अ सिंगल लॉजिकल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. वी कैन से दैट द डाटा एंड द मेथड्स दैट ऑपरेट On this data are encapsulated, मतलब are hided into a single unit called a class. एक क्लास के अंदर हमने उसको हाइड कर दिया है. A class consists of data and methods. These are called the members of the class. क्योंकि वो एक क्लास के अंदर हाइड किए गए हैं, हम उनको क्या कहते हैं, members of a class. The attributes of the class should be considered private. जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के उसको क्या कंसीडर किया जाता है, प्राइवेट, मतलब वो ओनली क्लास के लिए ही अवेलेबल होते हैं. टू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ओनली द क्लास मेथड्स वुड हैव एक्सेस टू दीज एट्रीब्यूट्स. क्योंकि वो क्लास के लिए प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के बने हुए मेथड्स ही उनको एक्सेस कर सकते हैं. व्हेन वी डिफाइन अ क्लास वी कैन सेट द विजिबिलिटी एक्सेस टू दीज एट्रीब्यूट्स. जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी एसेस पब्लिक रखना है. विजिबिलिटी एसेस का मतलब क्या है, पब्लिक, प्राइवेट रखना है या फ्रेंड एसेस हम यूज कर सकते हैं. तो वो एसेस हमें तभी के तभी उसको मेंशन करना होता है. सेकंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग बैकग्राउंड डिटेल्स. अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये हमारी कोई भी मशीनरी है, सपोज करो फैन है, फैन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इसकी आपको डिटेल्स नहीं मालूम है. आपको सिर्फ एक ऑन ऑफ का बटन प्रोवाइड किया गया है जिस पे आप क्लिक करके उसको चला सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं. तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन. जो उसके एसेंशियल फीचर्स हैं उसको ठीक करते हैं तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं, उसे मालूम है उसके एसेंशियल फीचर्स, हमें नहीं मालूम. Data abstraction is one of the most essential and important features of object-oriented programming in C++. ठीक है, तो abstraction means displaying only essential information, मतलब जो information आपको चाहिए. आप washing machine चलाते हो, आपको सिर्फ on off का button चाहिए, पानी कहाँ से आता है ये चाहिए, अंदर के machinery की knowledge आपको नहीं चाहिए. तो वो क्या है, essential features जितने हमें पता होने चाहिए. एंड हाइडिंग द डिटेल्स, जो इंटरनल हाइड डिटेल्स है वो हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, जो सिर्फ मैकेनिक को पता होता है कि वो अंदर से कैसे ठीक होगा. डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली असेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड. हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, जो बैकग्राउंड डिटेल्स है मतलब जो इंटरनल डिटेल्स है वो हाइड कर देते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ हाइड किया जाता है. कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार. The man only knows that pressing the accelerators will increase the speed of car or applying brakes will stop the car. जब हम कार चला रहे होते हैं हमें सिर्फ ये पता है कि एक्सेलरेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और अगर हम कार को
स्टॉप करेंगे तो हमें ब्रेक चाहिए होगी, बट ही डज नॉट नो हाउ टू हाउ ऑन प्रेसिंग एक्सेलरेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. उसे ये नहीं पता कि एक्सेलरेटर की स्पीड दबाने पे कैसे उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है. ही डज नॉट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म ऑफ द कार और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटर. उसे ये भी नहीं पता कि कैसे उसकी कार का एक्सेलरेटर वर्क करता है, ब्रेक्स एट्सेट्रा इन द कार. दिस इज वॉट एब्स्ट्रैक्शन इज. ये एक रियल लाइफ का एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का. एक हम क्लासेस से रिलेटेड करेंगे तो पेपर पे जितने आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक एग्जांपल इसमें से दे सकते हो. एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस. वी कैन इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस. क्लास हेल्प्स अस टू ग्रुप डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस यूजिंग अवेलेबल एसेस स्पेसिफायर्स. अ क्लास कैन डिसाइड विच डाटा मेंबर will be visible to outside world and which is not. तो ये हमारा क्लास का एग्जाम्पल है एज एन एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. वेन अ क्लास एक्वायर्स द फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास. जैसे हम अपने पेरेंट्स के फीचर्स को एक्वायर करते हैं, वैसे ही एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरी क्लास एक्वायर करती है उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. नीचे डायग्राम में क्या शो किया गया है? क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्वायर की गई है क्लास बी के द्वारा. अ क्लास एक्ट्स लाइक अ टेम्पलेट. मतलब जो एक क्लास होती है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है. टेम्पलेट क्या होते हैं? बिल्ट इन पैटर्न होता है एक, जैसे हमारा रिज्यूम का पैटर्न मिलता है हमें बिल्ट इन, और हम उसमें से कुछ फीचर्स को रब करके अपनी डिटेल्स भर देते हैं. तो वैसे ही जो क्लास है वो एक टेम्पलेट की तरह होती है. जैसे टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो चाइल्ड होता है वो अब बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, तो क्लास एक टेम्पलेट होती है. मतलब जो पेरेंट्स है वो एक तरह के एक टेम्पलेट है जिनके जैसे आगे उसके फर्दर बच्चे फीचर्स को इनहेरिट करते हैं. अ क्लास एक्ट्स लाइक अ टेम्पलेट. इट इज़ द बेसिस ऑन विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. मतलब ये एक बेस है जिसके बेस पे और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं. Each object possesses data unique to it. However, all the objects of the same class type possess the same characteristics. तो inheritance का मतलब क्या है? जैसे सारे brothers sisters होते हैं उनकी जो characteristics होते हैं वो almost same होती है क्योंकि वो एक ही parent से features को inherit करते हैं. For example, when we create an employee class, each employee object will contain the same data attribute. सबके जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉयज़ में वो सेम होते हैं, सच एज आईडी, नेम, बेस सैलरी, ठीक है, प्लान, लेवल ट्रेवल, अलोएंस एंड सो ऑन. द वैल्यू असाइन टू दीज एट्रीब्यूट्स विल वेरी फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय. ईच एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम फंक्शनैलिटी. उनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी. दैट इज डिफाइंड बाय द मेथड ऑफ द एम्प्लॉय क्लास. जो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर उनके फंक्शनैलिटी मेथड सब एक्सप्लेन किया जाएगा वही होगा. एट सम लेटर टाइम वी मे वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ मैनेजर इन अवर सॉफ्टवेयर. फॉर दिस वी वुड क्रिएट अ मैनेजर क्लास दैट इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉय क्लास. आफ्टर ऑल अ मैनेजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय. क्योंकि जो कंपनी का मैनेजर होता है वो भी क्या वहाँ का एम्प्लॉय ही होता है, इसलिए वो भी एम्प्लॉय क्लास के ही फीचर्स को करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करेगा. नेक्स्ट फीचर इज पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है पिक्चर में. एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स. पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, बहुत सारी फॉर्म्स. एक ही चीज़ को हम बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं. जैसे इसमें दिया गया है नेम दिया गया है, यहाँ पे दिया है किरण और यहाँ पे है हैरी. किरण नाम इस ड्राइवर का भी हो सकता है, इसका प्लेयर का भी हो सकता है. मतलब एक ही नाम है, वो बहुत सारे मल्टीपल बंदे उसको शेयर कर रहे हैं. और ये भी हो सकता है कि किरण नाम उसका घर का है और हैरी नाम उसका बाहर का है, स्कूल का है, ठीक है. तो इस तरह से जो शेयरिंग होती है एक ही चीज़ को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट पर्संस के द्वारा शेयर किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. इन अवर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स वी हैव डिफरेंट क्लासेस इन अवर क्लास हायरार्की फॉर द कार ऑब्जेक्ट.
अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म का ऑटोमोबाइल के फॉर्म में एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एक कार के बड़े सारे क्या होते हैं, नेम्स होते हैं। ईच सच कार ऑब्जेक्ट एग्जिबिट सेवरल कॉमन फंक्शनैलिटीज़। जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की कार्स होती हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, काम करने का तरीका होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्राइव मेथड कुड बी डिफाइंड इन ईच क्लास। जो ड्राइव मेथड है वो हर क्लास में डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी कार ऑब्जेक्ट्स, और वो हर कार ऑब्जेक्ट्स को एप्लीकेबल है। बिकॉज दिस इज अ कॉमन फंक्शनैलिटी, वी शुड डिफाइन दिस इन अवर पेरेंट क्लास। तो हमें इसको अपने पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये फीचर्स कॉमन है सब में, कि एक कार जो है वो ड्राइव होनी चाहिए। द चाइल्ड क्लास विल ऑल्सो डिफाइन अ ड्राइव मैथड एंड में मोडिफाई दी इनहेरिटेड ड्राइव मेथड, और थोड़ा सा उसके मेथड को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ड्राइविंग कार में भी दो तरह की कार्स आनी शुरू हो गई है, एक गेयर वाली होती है जो बहुत पहले से आ रही है, और एक अब एक बिना गेयर की भी आती है। तो ड्राइविंग मेथड उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। बोथ मेथड्स में यूज द सेम नेम, दैट इज ड्राइव। ड्राइविंग अ ट्रक इज डिफरेंट फ्रॉम ड्राइविंग अ स्पोर्ट्स कार और एन SUV। मतलब एक ट्रक को ड्राइव करना और एक स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करना डिफरेंट होता है, पर दोनों को हम क्या करते हैं, ड्राइव क्लास में ही रखेंगे। हाउएवर वी मे से वी ड्राइव द व्हीकल, पर हम उसको कह सकते हैं कि हम एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक है चाहे वो स्पोर्ट्स कार है। विद रिगार्ड टू बोथ द व्हीकल्स, दस द नेम ऑफ फंक्शनैलिटी रिमेन्स द सेम इवन दो द इम्प्लीमेंटेशन वेरीज अक्रॉस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि उसकी वो कह रहा है द नेम ऑफ द फंक्शनलिटी रिमेन्स द सेम, जो उसका नेम है वो सेम रहेगा, इवन दो द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन उसको चलाने का तरीका जो है वो वेरी कर रहा है, डिफरेंट है। दिस फीचर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी। पॉलीमॉर्फिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलीमॉर्फ मीनिंग हैविंग डिफरेंट फेसेस टू द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फेसेस होने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।